तो चलिए दोस्तों, 27 जून को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस और टॉप न्यूज़ हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में बल्क ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है पानीपत में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि पानीपत में 1000 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किया जाएगा। इससे देश में थोक दवाओं के विनिर्माण और अन्य देशों पर दवाओं की निर्भरता कम होगी। मेडिकल डिवाइस पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा करनाल जिले में। बल्क ड्रग पार्क से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर करनाल में 225 एकड़ भूमि पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसके बाद है, प्रदेश के किस जिले में श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति के प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में बनाई जाएगी श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति। 13 साल पहले कांग्रेस सरकार के समय सन 2007 में इस विशाल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र में बनाई जाने वाली श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति की नींव कब रखी गई थी? तो इसकी जो नींव है यह सन 2018 में रखी गई थी। इस प्रोजेक्ट की नींव सन 2018 में RSS संघ के संचालक मोहन भागवत, CM मनोहर लाल खट्टर व तत्कालीन राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के द्वारा ज्योतिसर में रखी गई थी। इसके बाद है, कुरुक्षेत्र में बनाई जाने वाली श्री कृष्ण की 52 फीट ऊंची मूर्ति किनके द्वारा बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी राम सुतार के द्वारा। यह मूर्ति विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार के द्वारा तैयार की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये थी आज की हरियाणा के करंट अफेयर्स। अब हम देख लेते हैं आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। रेवाड़ी व नारनौल के 30 से ज़्यादा गांव में टिड्डी दल ने किया है आक्रमण। 1000 एकड़ से ज़्यादा फसल को हुआ है नुकसान। देर रात रेवाड़ी में टिड्डियों पर किया गया स्प्रे। आज कृषि मंत्री द्वारा किया जाएगा दौरा। हरियाणा में सोनीपत में कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर की एमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हिंडन एयरबेस से आए इंजीनियरों के द्वारा हेलीकॉप्टर को ठीक किया गया और उसके बाद इसे उड़ाया गया। प्रदेश में 421 नए केस मिले पॉजिटिव। इसके साथ ही हरियाणा में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 12,884। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए गुरुग्राम में 200-200 बेड के 5 आइसोलेशन सेंटर बनाए जाएंगे। इन सेंटरों में रहना, खाना, दवा, परामर्श जैसी सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी। सरकार के द्वारा आइसोलेशन सेंटर के लिए बैंकेट हॉल, कम्युनिटी सेंटर, स्कूल व होटल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोरोना के समय प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा मरीजों से मनमाने पैसे वसूल करने पर हरियाणा सरकार ने लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राइवेट अस्पतालों के द्वारा लिए जा रहे बेड चार्ज के लिए 8 से 10 हज़ार रुपये निर्धारित कर दिए गए हैं। बिना वेंटिलेटर वाले ICU में 13 से 15 हज़ार व वेंटिलेटर वाले ICU में 15 से 18 हज़ार रुपये निर्धारित किए गए हैं। अम्बाला में शास्त्री कॉलोनी के पास स्थित है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का टर्मिनल, जो कि अगस्त में बंद कर दिया जाएगा। इसके बंद होने का कारण अम्बाला कैंट के नज़दीक होने के कारण आगजनी का खतरा बताया गया है। कोरोना काल में प्रधानमंत्री की स्कीम बताकर साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों को ठगा जा रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। करनाल में एक महिला के खाते से 25,000 रुपये और एक अन्य व्यक्ति के खाते से 15,000 रुपये साइबर क्राइम के द्वारा ठग लिए गए हैं। कृपया अपने अकाउंट से संबंधित पर्सनल जानकारी किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल ना करें। तो ये थी आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था, हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में राष्ट्रीय स्तर का यूनानी सेंटर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा फरीदाबाद के गांव खेड़ी गुजरात में। इसके लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। इस वर्ष से यहाँ OPD शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ 120 सीट का बेड अस्पताल भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, इंडो इजराइल इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर सेंटर का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया जाएगा? तो इसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।